हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सिकंदरपुर के रैपिड मेट्रो स्टेशन पर और आज ना केवल रैपिड मेट्रो की आपको जानकारी देंगे बल्कि इसमें सवारी भी करेंगे। रैपिड मेट्रो दिल्ली मेट्रो के अंडर नहीं आता। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर आप येलो लाइन के प्लेटफॉर्म से रैपिड मेट्रो में आसानी से जा सकते हैं। रैपिड मेट्रो की पहली ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे और लास्ट रात को 10 बजे चलती है। और जानकारी देने से पहले आइए पहले हम इन ट्रेन की ब्यूटी को अप्रिसिएट करते हैं। सिकंदरपुर से दो डायरेक्शन में ट्रेन जाती हैं, एक तो फेज 3 की तरफ और दूसरा सेक्टर 56 की तरफ। तो पहले हम जा रहे हैं DLF फेज 3 यानी कि साइबर सिटी और उद्योग विहार की तरफ। दिल्ली मेट्रो की ट्रेन से ये ट्रेन थोड़ी छोटी है लेकिन अंदर से इंटीरियर बिल्कुल सेम है, ये आप खुद देख लीजिए। पहला स्टेशन फेज 2 का आता है, उसके बाद वन वे रूट स्टार्ट हो जाता है यानी पूरी साइबर सिटी के अंदर वन वे ट्रेन चलती है। इस स्टेशन के बाद सिर्फ सिंगल ट्रैक है। आइए अब हम एक स्टेशन का मुआयना करते हैं। हर स्टेशन के ऊपर ATM लगे हुए हैं, टॉयलेट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, यानी काफी सारी फैसिलिटी हैं। फेज 2 के बाद आता है बेवलडियर टावर, उसके बाद साइबर सिटी, मोलाश्री एवेन्यू और फेज 3। और फेज 3 के बाद वापस ये फेज 2 पे जाकर एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, यानी एक लूप में ट्रेन चलती है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये एक लूप बनाती है। ये देखिए, साइबर सिटी स्टेशन के बाद ये ट्रेन पहले जाएगी सीधा और उसके बाद मुड़ना शुरू कर देगी, यानी कि घूमना स्टार्ट हो जाता है। और जो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये एम्बियंस मॉल है। एम्बियंस मॉल के सामने जो नज़दीक जो स्टेशन पड़ता है वो है मोलाश्री एवेन्यू, यानी आपको एम्बियंस मॉल जाना है तो इस स्टेशन पर उतरें साइबर सिटी से जो नेक्स्ट आता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, साइबर सिटी के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सब पर एक ही प्लेटफॉर्म है। अभी हम फेज 3 के स्टेशन पर खड़े हैं और यहाँ पर भी केवल एक प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये वन वे रूट है और यहाँ पर सिंगल ट्रैक है। इन ट्रेन में मिनिमम किराया है 20 रुपीज और मैक्सिमम है फिलहाल 35 रुपीज। अभी हम चलते हैं दूसरी डायरेक्शन में यानी कि सेक्टर 56 की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये कुछ प्रिंटेड ट्रेन्स हैं तो थोड़ा इनको भी खड़े होकर देख लेते हैं। सिकंदरपुर से दूसरी डायरेक्शन में भी 5 स्टेशन्स हैं। पहला आता है DLF फेस 1, फिर सेक्टर 42-43, उसके बाद सेक्टर 53-54, नेक्स्ट 54 चौक और लास्ट में आता है सेक्टर 56, यानी टोटल 5 स्टेशन्स हैं दोनों तरफ, 5 एक तरफ और 5 दूसरी तरफ। और अधिक जानकारी के लिए आप रैपिड मेट्रो की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां पर भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूं।
दिल्ली मेट्रो यानी DMRC से रैपिड मेट्रो की वेबसाइट अलग है, लेकिन जो दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड हैं वो रैपिड मेट्रो के अंदर भी चलते हैं। तो दोस्तों ये थी गुड़गांव की रैपिड मेट्रो। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सुझाव या कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।